हाय, आई एम गुनीत सिंह सोडी और आप देख रहे हैं बॉली क्विक। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दिप्तेश और बॉली क्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिनेता गुनीत सिंह सोडी जी। गुनीत सिंह सोडी जी काफी सारी बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा, लव आजकल वगैरह। लाल सिंह चड्ढा फिल्म में उन्होंने करीना कपूर के कॉलेज के बॉयफ्रेंड का किरदार निभाया था और हाल ही में गुनीत सिंह जी का नया गाना प्रीत रिलीज हुआ है। ये गाना जानी मानी पॉप सिंगर ध्वनि भानुशाली जी ने गाया है और इस गाने के अंदर ध्वनि भानुशाली जी के साथ गुनीत सिंह जी ने अभिनय भी किया है। तो ध्वनि भानुशाली जी के साथ का गुनीत सिंह का ये जो गाना है वो काफी हिट हो चुका है और अब तक इंटरनेट पर 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से भी ज्यादा लोग बहुत ही कम समय में इस गाने को देख चुके हैं। तो गुनीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉली क्विक के इस लाइव चैट सेशन में। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो सर, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका जो गाना प्रीत है वो वाकई में बहुत ही जबरदस्त गाना है और लोग इस गाने को बार बार लूप में डाल के बार बार इस गाने को देख रहे हैं और इस गाने को अब तक 40 लाख से भी ज्यादा लोग बहुत ही कम समय के अंदर देख चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप कैसा फील कर रहे हो कि आपका ये जो गाना है इसको इतने सारे लोग इतने कम समय में देख रहे हैं और काफी सारा इस गाने को प्यार दे रहे हैं? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी भी, क्योंकि ये मेरा पहला सॉन्ग है। मैंने इससे पहले कभी ऐसे लाइक किसी सॉन्ग में एक्टिंग नहीं की है। एंड टू यू नो टू लाइक प्ले ऑपोजिट ध्वनि भानुशाली, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है गाना और एक्टिंग भी बहुत अप्रिशिएट की जा रही है। सो आई एम रियली हैप्पी। तो ये जो गाना है वो आपको कैसे मिला? और जैसे कि आपने बताया ये आपका डेब्यू सॉन्ग है, तो मतलब आपने फिल्में तो काफी कर ली है लेकिन डेब्यू गाना आप चूज कर रहे हो, तो उसके बाद आप देखते होंगे कौन सा गाना लेना है नहीं लेना है, तो कैसे आपने ये गाना सिलेक्ट किया और कैसे आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने? तो बात ऐसी है कि मैं लाल सिंह चड्ढा का हिस्सा था जो कि अद्वैत चंदन सर ने डायरेक्ट की थी। एंड वहां पे मेरे काम को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया था और मैं हमेशा से लाल सिंह चड्ढा की टीम यानी कि आमिर सर की टीम के साथ मैं टच में रहा। एंड फिर एक दिन मुझे अद्वैत सर का कॉल आता है कि गुनीत, आई एम प्लानिंग दिस सॉन्ग एंड आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ दिस। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अद्वैत चंदन सर इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ एंड उन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्में बनाई है, सीक्रेट, सुपरस्टार, लाल सिंह चड्ढा और भी उनकी बहुत आने वाली हैं आगे फ्यूचर में। एंड व्हेन ही कॉल्ड मी लाइक, और उन्होंने बताया कि ध्वनि के ऑपोजिट तुझे प्ले करना है एंड उन्होंने मुझे स्टोरी समझाई एंड मैं तो उसी दिन मैंने मैंने उसी वक्त मैंने हाँ कर दी थी कि सर मैं कर रहा हूँ, आप जब भी बुलाओगे आई एम अवेलेबल फॉर यू। सो ये इस सॉन्ग का होना इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं लाल सिंह चड्ढा का हिस्सा था एंड थैंक्स टू अद्वैत चंदन सर। तो ये जो आपका गाना है उसका शूटिंग कहाँ पे हुआ था और शूटिंग के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसका शूट हुआ था देहरादून में या और बहुत मजा आया था मुझे क्योंकि अद्वैत सर थे, उनके साथ पहले ही लाइक मैं पहले काम कर चुका था तो एक कंफर्टेबल लेवल था और सर भी मुझे जानते थे कि जो जो चीजें यू नो एक एक्टर एक डायरेक्टर एक्टर से निकलवा सकता है उनको पहले से नॉलेज थी कि मैं गुनीत से क्या क्या करवा सकता हूँ और किस लेवल तक हम जा सकते हैं, तो एक वो बहुत अच्छी चीज थी। तो मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैं पहले भी एक एक इससे पहले मेरी एक फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, मैंने वो भी देहरादून में शूट किया तो वहां का भी जो लोकल प्रोडक्शन था वो सेम था इस सॉन्ग के लिए भी, तो मुझे बहुत ही फेमिलियर फेसेस मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो गाना है उसमें आपने ध्वनि भानुशाली जी के साथ काम किया है, वो इंडिया की जानी मानी सिंगिंग सेंसेशन है और इंडियन पॉप सिंगर है और नए जमाने की उन्हें पॉप सिंगर कह सकते हैं और उनके जितने भी गाने अब तक रिलीज हुए सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं और ये जो गाना है ये उनके प्रोडक्शन का ही है हिट्स म्यूजिक जो उनके पापा की कंपनी है और इस गाने के अंदर आपने ध्वनि भानुशाली जी के साथ काम किया है
तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और एक्टर के तौर पे वो कैसी है, क्योंकि हम लोग ने उनको बतौर सिंगर हमने उनकी आवाज को पहचाना है और उनको हमने ऑन स्क्रीन तो देखा है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब आपने उनके साथ काम किया तो कैसा लगा? पहली बार जब मुझे अभिषेक सर ने बताया था कि ध्वनि के ऑपोजिट तुझे प्ले करना है लीड, और ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट था एज ए लीड ऑल्सो, तो मैं बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि ध्वनि भानुशाली लाइक बहुत ही बड़ी सिंगर है इंडस्ट्री की और बहुत जानी मानी है। उनके उनके सॉन्ग्स तो मतलब कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, वर्ल्ड लेवल तक है। तो पहले मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, फिर लेकिन जब देहरादून गए, हमने बातें की, मिले, डिस्कस किया सब कुछ, तो लाइक मैं बहुत ही थोड़ा सा घबराया हुआ था, पर ध्वनि ने चीजें संभाल ली, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई भी लवर बॉय प्ले नहीं किया था ऑन स्क्रीन जैसे इस सॉन्ग में मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो एक मेरे लिए वो भी नया एक्सपीरियंस था। एंड या ध्वनि ने बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे कंफर्ट करने की उस टाइम, और उनकी टीम ने और मतलब फुल गिव एंड टेक था, क्योंकि हमने बहुत इम्प्रोवाइजेशंस भी की, हालांकि डायलॉग सुनाई नहीं देते हैं क्योंकि एक सॉन्ग था, पर एक एक्सप्रेशंस के लिए कई बार कुछ चीजें बोलनी पड़ती हैं ताकि वो ज्यादा अच्छा नेचुरल दिखे, तो बहुत गिव एंड टेक था दोनों के साथ हम दोनों का। तो हाँ बहुत मजा आया मुझे, और ध्वनि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, एंड मे बी मुझे फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिले, आई एम होपफुल। ओके, तो सर इस गाने के अंदर आपने अद्वैत चंदन जी के साथ काम किया है जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा डायरेक्ट की थी, और इस गाने की जो स्टोरी है जो काफी खूबसूरत स्टोरी है वो उन्होंने ही जी लिखी है और उन्होंने ही इसका यस डायरेक्शन किया है, और इसमें दिखा रहे कि आप एक एयरफोर्स ऑफिसर है और कैसे ध्वनि आपको मिस करती है और कैसे आप गाने के एंड में आप आते हो, तो जी कैसा आपको रहा ये शूटिंग का एक्सपीरियंस और अद्वैत चंदन जी के साथ फिर से एक बार काम करके आपको कैसा लगा? मतलब मैं आपको एक एनेक्डॉट बताता हूं। मैंने कभी तो कुछ वक्त पहले अपने किसी दोस्त को कहा था कि यार मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मैंने कहा था यार बाल तभी कटाऊंगा अगर कुछ ऐसा मिलिट्री का कैरेक्टर मिलेगा ना, तो मिलिट्री कट वैसा मैं करवाऊंगा। एंड आउट ऑफ सडन, आउट ऑफ ब्लू, अद्वित सर का कॉल आता है कि यार ऐसा मैं सॉन्ग प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ और मैं तुझे एक मिलिट्री मैन का कैरेक्टर में देखना चाहता हूँ, एंड वी गोना गो फॉर अ हेयर कट, मिलिट्री कट। एंड उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो उस वक्त ये चीज अपनी जुबान से निकाली थी कि यार मैं ऐसा चाहता हूँ, तो सच में हो गया, वो मैनिफेस्ट हो गया, तो वो बहुत ही अच्छा था। एंड अद्वैत सर के साथ तो बहुत मजा आता है मुझे, क्योंकि वो बहुत ही वो एक एक सेट पे एक फन का माहौल ज्यादा होता है, जब लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे भी लाइक मतलब वो छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट करते हैं, और बहुत ही फन फन में सब कुछ हो जाता है, एंड आई थिंक वो मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं, सो उनको पता है कि इसको क्या कहना है, इससे क्या क्या निकलवाना है, सो इट्स रियली इजी फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर हिम ऑल्सो। या राइट, तो गुनीत जी आप काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपने काफी सारी फिल्में कर ली है और आगे भी आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, विकी कौशल तृप्ति डिमरी जी के साथ आपकी जी एक धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म भी आ रही है, तो जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे की, कब आपने सोचा था कि हाँ मुझे एक्टिंग में आना चाहिए, सीरियसली मुझे एक्टिंग को लेना चाहिए, और कैसे आपने शुरुआत की और कैसी रही है आपकी अब तक की जर्नी, अब तक का आपका एक्टिंग का सफर कैसा रहा? मतलब मैं स्कूल टाइम से ही मुझे लिखने का शौक था, मैं कुछ लिखा करता था, फिर उसे मैं क्लासरूम में अपने दोस्तों के सामने परफॉर्म किया करता था, पोएम या रैप ऐसा कुछ। देन धीरे धीरे इंक्लाइंड हुआ कि मुझे थिएटर करना है, तो मैं स्कूल में थिएटर करना शुरू किया, प्लेज वगैरह, माइम वगैरह, देन वो बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया। देन फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ फॉर माई हायर स्टडीज, तो मैंने वहां पे थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, और फिर वहां पे लाइक वहां पे यूथ फेस्ट में हम परफॉर्म किया करते थे नेशनल नेशनल लेवल तक, तो वो सब चीजें चलती रही और उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। देन इन 2017 नवंबर में मुंबई शिफ्ट हुआ था, और मुझे कोई नहीं जानता था यहाँ पर, मैं बस आ गया था, मेरे दो सीनियर्स रहते थे कॉलेज के बॉम्बे में, तो मैं बस आ गया था, तो बस मैं आ गया, एंड बस फिर वहां से वो ऑडिशन, आप लाइन में खड़े होते हो 2-2 3 3 घंटे हर रोज, आप सुबह निकलते हो एक बैग में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर,
एक जैकेट लेकर, एक शर्ट लेकर, ताकि आप डिफरेंट लुक्स दिखा सके अपनी। और बस फिर वही सिलसिला चलता गया, बीच में छोटा मोटा कुछ ना कुछ करता गया ताकि अपने आप को भी बेहतर कर सकूं। और या अराउंड 1.5 ईयर बाद मैं लवाजकल 2 के लिए सिलेक्ट हुआ था, और वो बहुत बड़ा लाइक वन ऑफ द माइलस्टोन है, क्योंकि इम्तियाज अली सर ने मुझे वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए हाँ कर दी थी। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद कुछ एडवर्टीजमेंट्स आई बीच में, कुछ मैं एडवर्टीजमेंट्स भी करता रहा। एक बहुत ही जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट थी मेरी, वो सलमान खान सर के साथ थी, फॉर फेयर एंड हैंडसम। जब उन्होंने पहली बार फेयर एंड हैंडसम के लिए साइन किया था, आई वाज द फर्स्ट लाइक हिज को एक्टर टू परफॉर्म। वो बहुत बड़ा था मेरे लिए। और फिर लाल सिंह चड्ढा साइन हुई, फिर बीच में कोविड आया, तो वो 2 साल ऊपर नीचे गए। देन फिर धीरे धीरे चलता गया, कुछ चीजें साइन की फिर वो नहीं हो पाई, ऐसा भी होता है बीच बीच में। फिर कुछ चीजें आई लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता था, वो भी हुआ। और फिर ये धर्मावली फिल्म हुई, मैंने एक ऑडिशन किया था एंड मुझे अप्रोच किया गया कि लाइक वी विल लाइक टू हैव यू ऑन द ऑन बोर्ड। सो एक वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत बड़ी स्टार कास्ट है और बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करने को मिला। एंड या अभी जाए लाइक मैं अभी एक आने वाले वक्त में मैं एक सीरीज के लिए शूट करूंगा, वो सोनी लिव की सीरीज है, वो मैं साइन कर चुका हूँ। वो अभी डिले हो जा रही है क्योंकि कुछ तो रीजंस की वजह से, टेक्निकल रीजंस की वजह से। अब जब भी होगी उसका शूट होगा। तो हाँ लाइक अच्छा ही चल रहा है अभी तक का सफर। तो मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसान था, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत मुश्किल था। आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो मौके मुझे मिले हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पाते। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड या लुकिंग फॉरवर्ड। या तो गुनीत जी, काफी सारे ऐसे न्यू कमर्स हैं जो आपके इस इंटरव्यू को अलग अलग मेरे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, तो वो ये जानना चाहेंगे कि आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो। अगर वो भी आपकी तरह ही इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके तरफ से क्या एडवाइस है? एज इन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी जो जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अलग ही हुआ और बेहतर ही हुआ। पर जैसे कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैंने लाइक बहुत टाइम थिएटर किया, स्कूल में, कॉलेज में, और लाइक प्रोफेशनली करता गया थिएटर। तो मैं उस जो मेरा बेस है वो थिएटर से है, तो मैं उसको एक बहुत बड़ी तवज्जो देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे बनाया है, मैं आज जो भी हूँ एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन। तो एक मैं उसको भी देता हूँ, और मैं हमेशा कहूंगा कि थोड़ी ट्रेनिंग तो लेकर आनी चाहिए अगर आप कोई बॉम्बे आता है। तो बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। आप यहाँ पे आकर स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बेसिक्स भी क्लियर कर रहे हैं, फिर क्योंकि ये शहर बहुत महंगा है, इट्स रियली एक्सपेंसिव हियर। सो यू नो टू हैव टू सस्टेन योर सेल्फ यू नीड टू लर्न। एंड कोई बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है कि किसी ने, किसी गर्लफ्रेंड ने किसी को कह दिया कि तुम अच्छे दिखते हो तुम एक्ट हीरो बन जाओ। ये नहीं, जब तक अंदर से मत बात आए कि आप सच में करना चाहते हो, एक्टिंग से प्यार है, तो आ जाओ। हो तो जाएगा ही। अगर आप विदाउट ट्रेनिंग भी आएंगे, अगर आप मेहनत करना जानते हैं, अगर आप पैशनेट हैं, तो हो तो जाता ही है। पर ये इट्स बेटर कि आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर आइए, और अगर थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं वहां से आया, इसलिए मैं वही कह सकता हूँ। राइट। तो गुनीत जी, अब मैं थोड़े आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछूंगा ताकि आपके जो फैंस हैं उनको आपके बारे में और अधिक जानकारी मिल पाए। तो मैं जानना जी, चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कौन से सिटी से हो? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। ओके राइट। जी तो आपने आपकी स्कूलिंग कहाँ से की थी और आपका एजुकेशन कहाँ तक का है? मैंने स्कूलिंग अपनी की थी लुधियाना में ही, BCM स्कूल है वहां पे, शास्त्री मॉडल टाउन में, वहां से की मैंने स्कूलिंग अपनी। और उसके बाद मैं हायर स्टडीज के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, जहाँ पे मैंने पहले BBA की, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, DAV कॉलेज सेक्टर 10 से। देन मैंने वहां पे ही मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया, वो भी सिर्फ पढ़ाई इसलिए की ताकि मैं वहां पे थिएटर कंटिन्यू कर पाऊँ, तो क्योंकि थिएटर से बहुत प्यार है। तो बस हाँ, फिर मैंने वहां तक ही मैंने पढ़ाई की है। तो गुनीत जी, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स, डैड बिजनेस में और मॉम मेरे एस्थेटिशियन है। ओके। आपके कोई सिबलिंग्स है? नो
मैं अकेला इकलौता हूँ घर का। ओके, आपका बर्थडे कब आता है? ओके, 6 सितंबर। आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन से हैं? मैं ना वैसा इंसान हूं, मुझे बहुत लोग बार बार पसंद आते हैं, पर अगर आप एक पूछो तो फिर शाहरुख खान से मैं प्यार करता हूँ, तो उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं दिखता है। एंड एक्टर्स में मुझे बहुत सारे पसंद है, आई मीन लाइक मैंने करीना मैम के साथ काम किया, वो भी एक सपना ही था। इवन आमिर सर लाइक, बट करीना मैम को यू नो लाइक एक्टर्स में अगर जाएं तो वो है, कियारा आडवाणी है, आलिया भट्ट है, कृति सैनन, आई मीन लाइक सभी है, जो भी अच्छा काम करते हैं उनके साथ तो काम करने का दिल करता ही है। ओके, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मुझे इंडियन क्विजीन बहुत पसंद है, सो मम्मी के हाथ के परांठे और पनीर की सब्जी। या तो गुनीत जी, आपको जब भी कोई ऑन स्क्रीन देखता है तो वो आपकी बॉडी का दीवाना हो जाता है कि किस तरह से आपने अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा है, राइट? और आप बहुत ही फिट दिखते हो, तो आपका फिटनेस रिजीम क्या है? तो मैं पहले बहुत ही ज्यादा मोटा हुआ करता था, मतलब आई वॉज 126 kg एट अ टाइम। अभी अभी मैं बहुत कम हूँ उससे, तो ऑब्वियसली फिटनेस रिजीम ये है कि वर्कआउट मैं करता हूँ, लाइक जो जिम वाला वर्कआउट होता है वो मैं करता हूँ। देन मैं डांस भी करता हूँ, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं स्विमिंग भी करता हूँ, मुझे पानी से भी बहुत प्यार है, और मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है। मैं बस कुछ भी इंटरव्यूज या पॉडकास्ट लगाकर हेडफोन्स में, और मैं पैदल चलता रहता हूँ। अगर मैं फ्री हूँ तो दैट्स माय बेस्ट थिंग, मैं निकल जाता हूँ घर से बाहर, मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, बस सड़कों पर चलता रहता हूँ। तो आई थिंक ये वो वॉकिंग मुझे हेल्प कर जाती है। डाइट में आप बस जितना घर का खुद जो खाना बनाकर खाएं, क्योंकि आप अपने सामने सब कुछ बना रहे हैं, राइट? इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो आपके सामने डल रहे हैं, सब कुछ पता, आपको पता आप कितना तेल यूज करेंगे, आपको पता आप कितना बटर या घी यूज करेंगे। तो मैं वही प्रिफर करता हूँ कि मैं घर पर ही रहूं खाना बनाते हुए, और अब मेरे सामने सब कुछ बने, तो बस वही है एक डाइट का। तो गुनीत जी, आपने आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में तो बता ही दिया है, पर मैं ये चाहूंगा जी कि आपकी जो अनटाइटल फिल्म आ रही है जिसमें विकी कौशल, तृप्ति डिमरी है और वो धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, तो उसके जी आपके किरदार के बारे में आप कुछ फोकस दे पाएंगे कि आपका किरदार क्या रहने वाला है उसमें? आई डोंट थिंक सो आई एम अलाउड, पर बहुत क्या मजा आने वाला है। पर लेकिन बहुत मजा आने वाला, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर मिला है, आनंद तिवारी सर ने बहुत एक अच्छा लिखा है, और पोर्ट्रे करने की मुझे विद मी कोशिश की है, और बहुत मजा आने वाला, बहुत ही फन फिल्म है वो। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी उस फिल्म की बात होती है, पर मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, पर यह है कि मजा बहुत आने वाला है, और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, जनता को प्यार हो जाएगा उस कैरेक्टर से। तो गुनीत जी, आपके काफी सारे फैंस हैं, काफी सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं और काफी सारे लोग बॉलीवुड के माध्यम से आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो उन सब आपके जो भी फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप देखते रहिए, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो हमें हमें कोई पूछेगा नहीं, सो ऑडियंस ही किंग होती है। सबको पता है ये, बड़े से बड़े स्टार्स को पता है, सबको पता है ऑडियंस की किंग होती है, और ऑडियंस का प्यार नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और हम मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं और ऑडियंस के लिए भी कर रहे हैं, ताकि हम आप सबको एंटरटेन कर पाए, और कीप लविंग। तो गुनीत जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और गुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े, और मैं चाहूंगा आप आगे नई नई फिल्में करते रहे, नए नए प्रोजेक्ट करते रहे और मेरे साथ बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में जुड़ते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।